स्वदेश वाणी। चरही कोयलांचल क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र द्वारा आयोजन 4 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता 2021 का गुरुवार को फाइनल मैच सीसीएल हजारीबाग हॉकी टीम तथा सीसीएल हॉकी टीम उत्तरी कठारा के बीच खेला गया। इस नॉकआउट हॉकी प्रतियोगिता का खिताब हजारीबाग के मैच ने 2 गोल दागकर अपने नाम किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक कार्मिक उमेश सिंह तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में चरही महाप्रबंधक नीरज कुमार सिन्हा एवं कुज्जू महाप्रबंधक आईसी मेहता सम्मिलित हुए। समारोह में ओम प्रकाश परियोजना पदाधिकारी तापिन साउथ, एमपी सिंह परियोजना पदाधिकारी तापिन नॉर्थ, प्राचार्य रानी जायसवाल, डीएवी पब्लिक स्कूल तापिन नॉर्थ आदि भी उपस्थित रहे। समापन समारोह में सर्वप्रथम अतिथियों का आयोजकों द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत अतिथियों के बीच बैग लगाकर शॉल भेंट किए गए। स्वदेशवाणी के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार माली की रिपोर्ट। के द्वारा जो हाईवा चलती है उसमें सीसीएल के द्वारा जो हाईवा चलती है रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट उठता है, इससे लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सेफ्टी मानकों का भी पालन करने के सबको निर्देश है। सेफ्टी मैंने सुरक्षा के मानक स्प्रिंकलर और वाटर स्प्रिंकलिंग करने का भी निर्देश है। सभी चीज़ें सुनिश्चित रूप से चलती, धूल कण ये सब जो है व्यवस्थित रूप से NIT। नहीं सर, सेफ्टी तो यहाँ दिखता ही नहीं ना, यहाँ पे जो तिरपाल बांधने का है और कुछ भी जितने भी सेफ्टी है यहाँ पे तो नहीं चलती है सर। सामने दिखाई दे रहा है, कुछ सामने ही दिखाई दे रहा है तिरपाल बांधने सर। चाहिए क्षेत्र में सर किसी तरह का कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ सीसीएल के द्वारा पानी छिड़काव का भी काम नहीं किया, काम नहीं होता है, लोग जस्ट खाने पर बेबस है, लोग आदि मानव की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं नहीं, आदि मानव की जिंदगी आदि मानव से अलग है, लेकिन यहाँ पर सारी व्यवस्था दिया गया संचित साधन करते हुए दिया जा रहा, उसी पर ध्यान केंद्रित भी है। इसी डिफरेंट जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, चेक डैम बनाए जा रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन का है, और ये क्योंकि माइनिंग है तो माइनिंग सेक्टर में थोड़ा सा वाटर रिजर्वायर नीचे जाता है, ये संचित सही है, लेकिन उसी के लिए चेक डैम और ये उसके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।